फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल का ऑफिशियल डेट जो है आ चुका है, 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये जो सेल है चलने वाला है। इस बीच आप अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज आ चुका है, क्योंकि इस वक्त जो है अप्रूवल का जो चांसेस है बहुत ही ज्यादा हाई है। मैं यहाँ पर आपको वर्बली बताने से अच्छा समझूंगा कि आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं, जिसमें आप देख सकते हो इन्होंने अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया और इनको जो लिमिट मिली है 1,95,000 रुपए की लिमिट मिल चुकी है। अगर मैं इनकी सिबिल की बात करूं तो ज्यादा सिबिल भी नहीं है इनका, 730 सिबिल पर इनको 1,95,000 रुपए की लिमिट मिली है। तो आखिर इनको इतना लिमिट कैसे मिला, आपको कैसे मिल सकता है, क्या कुछ ट्रिक्स है, सारी डिटेल जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से आपका कुछ घटेगा नहीं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ढूंढकर बनाने के लिए। तो चलिए आप सभी को और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी सेल इसलिए लाती है कि उसके प्रोडक्ट की जो है ज्यादा से ज्यादा सेल हो, जिसके लिए लोगों की क्या जरूरत है, पैसों की जरूरत है। तो हर किसी के बैंक अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा तो है नहीं कि अनवांटेड चीजों को भी खरीदता रहे, यानी जो चीजों की जरूरत नहीं है फिर भी वो चीजों को खरीदता रहे। लेकिन एक क्रेडिट कार्ड होल्डर ऐसे जो कारनामे है जरूर से करता है, यानी अगर आपके पास में एक ऐसा पैसा है जिसका इस्तेमाल आप आज कर सकते हो और उसकी पेमेंट जो है आपने 50 दिन बाद में करनी है, तो इस केस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिन चीजों की उनको जरूरत नहीं होती है फिर भी वह उन चीजों को खरीद लेते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो है क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी चाहती है कि अगर हमारे यूजर्स ज्यादा होंगे, यानी हमारे क्रेडिट कार्ड ज्यादा होंगे, तो वह जो है हमारे इस सेल में आएंगे और खरीदारी भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो इसीलिए ये एक गोल्डन टाइम है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, चाहे आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो, क्योंकि अभी आपको किसी न किसी एप्लीकेशन में, किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का हर एक बैंक में ऑफर देखने को मिल जाएगा। चाहे SBI की बात कर लो, ICICI बैंक की बात कर लो, HDFC का ऑफर नहीं आया है तो आ जाएगा, एक्सिस बैंक का तो ऑफर चल ही रहा है, तो इस टाइप का ऑफर जो है आपको हर एक एप्लीकेशन में, हर एक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हर एक बैंक चाहती है कि हमारे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बढ़े और वो भी स्पेंड वगैरह करें। तो अभी आप अप्लाई करते हो तो आपके अप्रूवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसी बीच जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है, इन्होंने क्या किया, अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करने से पहले इनके साथ क्या हुआ था थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। ये इनका 4th अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में ही इनको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इतनी हाई लिमिट पे बिल्कुल नहीं मिला है, ये इनका 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले जब इन्होंने 3 बार अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था तो 3 बार इनका कार्ड डिक्लाइन हो गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। रीजन कोई भी स्पेसिफिक नहीं बताया जाता था हाँ इस रीजन से डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस तो होता था लेकिन इनका सिविल वगैरह उतना अच्छा नहीं था। जैसे कि अभी की भी बात करें तो इनका सिविल कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ 730 सिविल है। लेकिन इन्होंने क्या किया, FD के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, किसी बैंक से नहीं बल्कि वो भी ऑनलाइन ही लिया था इन्होंने, 1 कार्ड का FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लिया, जो कि आपको मिनिमम 2000 रुपए के FD पर मिल जाती है। तो इन्होंने 2000 की FD नहीं की बल्कि इन्होंने 30000 रुपए की FD की थी। तो उस कार्ड को इन्होंने लगभग 3 से 4 महीने कंटिन्यू किए और उसके बाद में इनको जो है फ्लिपकार्ट पर ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पॉपअप शो करने लग गया। तो इन्होंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से उस कार्ड को अप्लाई किया और इंस्टेंट ही वीडियो KYC की हेल्प से इनका कार्ड का जो KYC है वो कंप्लीट हो गया और अप्रूवल मिल गया। जब आपको प्री अप्रूव ऑफर मिलता है ना तो वहां पर आपको लिमिट वगैरह सब कुछ शो होने लग जाता है कि आप कितने लिमिट के लिए एलिजिबल है, कितना लिमिट आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। कुछ स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स आपको वेरीफाई करना होता है, वीडियो KYC कर देना होता है और आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है और उसके नेक्स्ट 10 to 15 days के अंदर में कार्ड जो है आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। उससे पहले ही वर्चुअली आप अपने कार्ड का डिटेल जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक जो क्रेडिट कार्ड है प्री अप्रूव ऑफर के तहत ही मिला था, जिसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, अप्लाई प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, 3 अटेम्प्ट इन्होंने कंप्लीट किए थे लेकिन इनको कार्ड नहीं मिल रहा था। तो जैसे कि इन्होंने मेरी एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका सिबिल वगैरह जनरेट नहीं हुआ है जिस कारण से आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप FD के अगेंस्ट कोई भी एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, बैंक का भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं
या फिर आप ओवन कार्ड का क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। बैंक के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत क्या थी कि आपको जो है एक हायर अमाउंट का एफडी क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन यहां पर जो है एक मिनिमम अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, यानी सिर्फ 2000 रुपए के एफडी के अगेंस्ट भी आप एफडी पर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और इसमें आपको 110% की लिमिट मिलती है। बैंकों के क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको 80-90% का ही लिमिट मिलता है, यानी आप 10000 रुपए की एफडी क्रिएट करोगे तो आपको 8500 से लेकर 9000 के बीच में ही लिमिट मिलेगी, इससे ज्यादा आपको लिमिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड की, यानी वन कार्ड क्रेडिट कार्ड की, यहां पर जो भी आप एफडी करवाते हो मिनिमम बात कर ले 2000 रुपए की, तो आपको 2200 रुपए की लिमिट मिल जाएगी, 110% का आपको लिमिट मिल जाएगा। तो जब इन्होंने इस कार्ड को ले लिया, 3 से 4 महीने यूज किए, अच्छी खासी इसमें ट्रांजेक्शन वगैरह करते थे, तो इसके बाद में इनका जो सिबिल है ना एकदम से ही रॉकेट की तरह हाई बढ़ने लग गया, जिस कारण से इनको प्री अप्रूव ऑफर मिल गया फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। और इन्होंने उस मौके को चूका नहीं और अप्लाई किया, तो आज आप देख सकते हो 1,95,000 रुपीज का इनको लिमिट मिल चुका है, जो कि मेरे हिसाब से इस सिबिल बेस पर इतना ज्यादा हाई लिमिट बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आप में से किसी लोगों का इतना लिमिट मिला है इस सिबिल बेस पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक्सिस बैंक जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अलावा माइजोन क्रेडिट कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री तौर पर ऑफर कर रही है। तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई प्रोसेस, रिव्यू, कंप्लीट डिटेल जो है एक वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, तो उस वीडियो को अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आपका भी सिबिल जनरेट हो चुका है और 700 प्लस अगर आपका सिबिल है तो अभी जो है अप्रूवल के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, मीन्स आपको बहुत ही आसानी से कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।